हेलो दोस्तों, टेक्नो 143 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बॉयलर फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास अटेंडेंट ऑपरेटर एग्ज़ाम को प्रिपेयर होने के लिए हम इस चैनल के अंदर में आपको कंप्लीट नोट्स देंगे। बॉयलर फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास अटेंडेंट ऑपरेटर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन के ऊपर में हम इस चैनल के अंदर में कम्प्लीट आपको ट्रेनिंग देंगे। कंप्लीट क्वेश्चन एंड नोट्स हम इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाएँगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर करें, क्योंकि बॉयलर रिलेटेड वीडियोस हम इस चैनल के अंदर अपलोड करते रहते हैं। हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स पाने के लिए आपको बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। बॉयलर सेफ्टीज एंड मेंटेनेंस के बारे में हम इस वीडियो के अंदर में आपको क्वेश्चंस देंगे। ये क्वेश्चंस आपको बॉयलर अटेंडेंट ऑपरेटर एग्ज़ाम फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास में पूछे जा सकते हैं। चलिए, वो क्वेश्चंस कौन से है जान लेंगे इस वीडियो के अंदर में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बॉयलर पे इमरजेंसी प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं? बॉयलर ट्यूब्स लीकेज हो सकते हैं। बॉयलर फीड वाटर कंट्रोल स्टेशन फेल हो सकता है। फर्नेस में ड्रॉफ अनबैलेंस हो सकते हैं। फर्नेस एक्सप्लोशन यानी ब्लास्ट हो सकता है। ब्लोडन वाल फेल हो सकता है। फीड वाटर पम्प फेल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर टू, बॉयलर ट्यूब्स फेल होने में क्या कारण हो सकता है? बॉयलर ट्यूब्स ओवरहीटिंग के कारण भी लीक हो सकते हैं। ट्यूब्स के अंदर में स्केलिंग के कारण भी ट्यूब्स में हीटिंग प्रॉपर नहीं होगी, इससे ओवरहीटिंग होने से भी ट्यूब्स फेल हो सकते हैं। ट्यूब्स पुराना होने पर भी फेल हो सकती है। ट्यूब्स का साइज फैलने से भी ट्यूब्स फेल हो सकते हैं। फ्लू गैस एयर ऐश के एरोजन से भी ट्यूब्स फेल हो सकती हैं। ट्यूब्स का मटेरियल सही नहीं है तो भी ट्यूब फेल हो सकती है। ट्यूब्स के अंदर या बाहर एरोजन होगा तो भी ट्यूब फेल हो सकती है। ट्यूब्स में इम्प्रॉपर या इफेक्टेड स्टीम एंड वाटर सर्कुलेशन सही से नहीं होगा तो भी ट्यूब फेल हो सकता है। बॉयलर ट्यूब्स लीकेज होने पर क्या करोगे? जितना जल्दी हो सके बॉयलर को स्टॉप करना है, बॉयलर को कूलिंग के लिए छोड़ना है और फीड वाटर को सर्कुलेट करते हुए बॉयलर को जल्दी से कूलिंग करने के लिए IDFD फैंस को ऑन में रखें, इससे बॉयलर जल्दी से कूल हो जाएगा। ट्यूब्स जहां लीकेज है उसके नीचे तक वाटर को ड्रेन करें। ट्यूब्स जहां लीकेज है उसका रूट फाइंड करना है। अगर ट्यूब लीकेज माइनर है तो वेल्डिंग प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। अगर ट्यूब लीकेज मेजर है तो ट्यूब को रिप्लेस करना पड़ेगा। रिप्लेस करने के बाद दो घंटे के लिए कूलिंग के लिए छोड़ना होगा। बॉयलर ट्यूब चेंज करने के बाद कूलिंग के बाद बॉयलर के अंदर वाटर को फिल करने के बाद हाइड्रोलिक टेस्ट करना है। बॉयलर मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर पर 1.5 टाइम्स जितना प्रेशर आएगा वहाँ तक हाइड्रोलिक टेस्ट में देखना है। जहाँ हमने ट्यूब रिप्लेस किया था वहाँ लीक हो रहा है या नहीं, नहीं हो रहा है तो वाटर को ड्रेन कर ले नॉर्मल वाटर लेवल तक। उसके बाद बॉयलर को स्टार्ट कर ले बॉयलर के स्टार्टअप प्रोसीजर के मुताबिक। बॉयलर के ड्रम लेवल में फ्लक्चुएशन होने का क्या कारण हो सकता है? सडन लोडिंग और अनलोडिंग होने के कारण भी बॉयलर में फ्लक्चुएशन हो सकता है, यानी फर्नेस में डिफ्रेशन हो सकते हैं। स्टीम प्रेशर फ्लक्चुएट करने कर रहा है तो भी फ्लक्चुएशन होगा। सेफ्टी वाल्व सडन पॉप अप कर रहा है तो भी ड्रम लेवल में फ्लक्चुएशन होगा। प्राइमिंग एयर फोमिंग हो रहा है तो भी ड्रम लेवल फ्लक्चुएट करेगा। ड्रम लेवल कंट्रोलर अगर फेल हो जाता है तो उसके उस कंडीशन में भी ड्रम लेवल में फ्लक्चुएशन होगा। ब्लोडाउन वाल लीकेज या पासिंग है तो भी फ्लक्चुएट हो सकता है। ड्रम वाटर लेवल मेंटेन नहीं होगा।
अनकंट्रोल्ड फायरिंग कर रहे हैं तो उस कंडीशन में भी ड्रम लेवल फ्लक्चुएट करेगा। ट्यूब्स या कॉइल लीकेज होने से भी ड्रम लेवल मेंटेन नहीं कर पाएंगे और वाटर कंजप्शन भी बढ़ जाएगा। बॉयलर फर्नेस ड्राफ्ट्स फ्लक्चुएशन होने के क्या कारण हो सकते हैं? अनबैलेंस्ड ड्राफ्ट के कारण भी फर्नेस में फ्लक्चुएशन हो सकता है। फ्यूल में मॉइस्चर वेरिएशन की वजह से भी हो सकता है। सडन लोड चेंज होने की वजह से भी हो सकता है। IDFD फैंस फेल होने की वजह से भी फर्नेस ड्राफ्ट में फ्लक्चुएशन हो सकता है। फ्लू गैस पैच चोक यानी APH चोक होने की वजह से भी फर्नेस में फ्लक्चुएशन होगा। एयर और फ्लू गैस लीकेजेस होने की वजह से भी फर्नेस में फ्लक्चुएशन होता है। लूज या इम्प्रॉपर फैंस जॉइंट सेक्शंस सही से फिटेड नहीं है तो भी फर्नेस में ड्राफ्ट में फ्लक्चुएशन होगा।